गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको ज्योग्राफी का क्लास सेवेंथ का चैप्टर वन एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगी। एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है नेचुरल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एंड एनवायरनमेंट हम लोग कवर करेंगे ही, तो चलिए हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड। तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है? वो ओरिजिनेटेड होता है फ्रेंच लैंग्वेज का जो वर्ड है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है हमारा आस पड़ोस। तो इन्वायरमेंट का सीधा कनेक्शन किससे हो जाता है? हमारे आसपास की चीज़ों से हो जाता है। जब भी वर्ड इन्वायरमेंट आता है तो इट मीन्स हमारे आसपास की चीज़ें विच कम्स इन अ इन्वायरमेंट, वो उसका एक पार्ट बन जाती हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग आगे। Anything that surround any living organism is called environment. Anything में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, whether it's a place, people, things or nature, और भी चीज़ें जो surround, जो किसके चारों तरफ है, any living organism की। Living organisms कौन से हैं? Insect, birds, animals, human beings। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? Environment is called environment। ये environment का एक part हैं। जो भी चीज़ें हैं जो living things के surroundings में हैं वो environment कहलाती हैं। तो उसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, it is a combination of natural and human made phenomena। yeah। Second है आपके, उसमें आता है components of environment। कंपोनेंट मतलब होता है कि तत्व, किन से ये एनवायरनमेंट बना हुआ है, किन चीज़ों से एनवायरनमेंट बना है, अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स में डिवाइडेड कर रखा है इन्होंने, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट चलेंगे, नेचुरल जो कंपोनेंट है उसको लेके चलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर शो करना चाहूँगी। ये आपकी पिक्चर आपकी बुक में पेज नंबर 2 में भी बनी हुई है। तो इस पिक्चर को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचुरल कंपोनेंट। तो जो नेचुरल कंपोनेंट्स में हमारा जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट जो आपका आता है वो है हाइड्रोस्फीयर। दिस इज योर हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है हमारा? वो एरिया जो वाटर से कवर्ड है, वो लैंड, द लैंड विच इज़ कवर्ड विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? तो ये जो भी एरिया, जो भी लैंड है जहाँ पानी है, जिस जिस जगह पर, ओशंस के फॉर्म में, सी के फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में, पाउंड के फॉर्म में, लेक के फॉर्म में, तो ऑल दिस कम्स इन अ हाइड्रोस्फीयर। तो एक हाइड्रोस्फीयर के सारा पार्ट है। क्लियर? तो ये हमारा नेचुरल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। सेकेंड वन इज़ योर एटमोसफियर। अब एटमोसफियर किससे बना हुआ है हमारा? गैसेस से बना हुआ है, डस्ट, वाटर वेपर से बना हुआ है। तो एटमोसफियर भी हमारा क्या है? नेचुरल कंपोनेंट है। क्लियर? थर्ड आपका है लैंड, लैंड लिथोस्फियर, जहाँ पर हमारे जो भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही है ना, ये सारी किस में बनी है हमारी? लैंड में। एग्रीकल्चर भी हम लोग किस में करते हैं? लैंड में करते हैं। तो ये सारा किस में आता है? लिथोस्फीयर में। और ये भी क्या है कि हमारा नेचुरल कंपोनेंट है। अब ये हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। क्लियर? जहाँ ये तीनों चीज़ होंगी वहीं हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा, क्योंकि बायोस्फीयर में क्या है, हमको तीनों चीज़ ज़रूरी है। हमको वाटर भी ज़रूरत है, एयर की भी है एंड लैंड की भी। विदाउट इसके बायोस्फीयर नहीं होगा। बायोस्फीयर जहाँ है इट मीन्स वहाँ पर लाइफ है। अगर मैं मून की बात करूँ तो मून में लाइफ है? नहीं है। रीज़न यही है कि वहाँ पर बायोस्फीयर नहीं है। वहाँ लिथोस्फीयर तो है, हाइड्रोस्फीयर नहीं है एंड एटमोस्फीयर भी नहीं है। तो मून में सिर्फ क्या है? लिथोस्फीयर है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है? लाइफ नहीं है। नो लाइफ इन अ मून। क्लियर? चलिए सेकंड कंपोनेंट्स हम लोग इसका पढ़ेंगे, ह्यूमन मेड। जो ह्यूमन मेड कंपोनेंट से जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, मतलब हम लोगों ने बनाए हैं। अब हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है? हम लोगों ने जो मोबाइल, अब
जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो भी हम लोगों ह्यूमंस ने बनाया है, जहाँ टेबल चेयर जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी ह्यूमंस ने बनाए हैं। तो ह्यूमन मेड में क्या है, जो ह्यूमंस द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, लाइक पार्क, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, और भी आपको जैसे पता है बुक, कॉपी, पेंसिल, ये सब ह्यूमन मेड हैं। तो ये सारा कंपोनेंट एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है जो ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन मेड भी क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड वन जो आपका आता है वो आता है आपका वो आपका आता है ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस ने क्या क्या बनाया हुआ आपका, ह्यूमंस ने, ह्यूमंस हो गए हम लोग। अब हम लोग हो गए, अगर मैं आपको सिंगल लूँ, सिंगल लूँ तो हम लोग कहलाएंगे इंडिविजुअल। आपके फादर सिंगल लिया जाए तो वो इंडिविजुअल कहलाएंगे। एक मदर इंडिविजुअल हो गई, एक ब्रदर इंडिविजुअल हो गया, तो हम चारों क्या हो गए, आपके भाई बहन, मदर मदर एंड फादर, ये सब क्या हो गए, इंडिविजुअल हो गए। इन चारों ने मिलकर क्या बनाई, एक फैमिली क्रिएट करी, ठीक है ना। और फिर फैमिली ने क्या बनाया, ये फैमिली ने मिलकर क्या बनाया, एक फैमिली थी, एक फैमिली बगल वाली आपकी फैमिली मान लो, और पड़ोस में फैमिली मान लो, पाँच छः फैमिलीज मिलकर सब ने क्या बना दी, एक ग्रुप बनाया, जिसको हमने क्या बोला, कम्युनिटी बोला। क्लियर। अभी कम्युनिटी हमने बना लिया, अब कम्युनिटी वाले क्या करते हैं, अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करते हैं। जो हम जिस जैसे हम लोग हिंदू रिलीजन को मानती हूँ मैं, कई मुस्लिम रिलीजन को मानते हैं, तो इसमें कोई मनाही भी नहीं है। तो ये ह्यूमंस के ऊपर है हम लोग कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करें। क्लियर। तो उन्होंने एक रिलीजन्स बनाए, ये सब ये इसलिए बता रहे हैं कंपोनेंट्स में कि ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं। वहाँ पर ह्यूमन मेड, ऊपर जो था ह्यूमन मेड थिंग्स थी, और यहाँ पर ह्यूमन ने खुद ने अपने इंडिविजुअल से क्या क्या बनाया है। उसके बाद एजुकेशन में भी हम लोग सब ने मिलकर एजुकेशन वगैरह का फॉर्म किया। इकोनॉमिक होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था, वो किसी भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, उस पर भी मेन डिपेंड किस पर होता है, वहाँ के लोगों के, वहाँ के पीपल कैसे हैं, कितनी वो मेहनत करते हैं अपने देश के लिए, अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अभी हम लोग की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो वहाँ सारी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो वहाँ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है उनको आराम से, ठीक है। सेम विद द पॉलिटिक्स सिचुएशन, वो भी ह्यूमन द्वारा ही बनाई जाती हैं। अच्छा, इसके नीचे आपके बुक में देखो बायोटिक और एबायोटिक और दिया गया है। तो बायोटिक मीन्स होता है द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक किसको कहते हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का संसार, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, जो भी जिनमें भी जान है, वो सब हम लोग बायोटिक कहलाते हैं। अबायोटिक कहलाते हैं द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। और अबायोटिक वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जैसे हमारा लैंड हो गया, माउंटेन हो गया आपका, आप अपना ये ओशन, सी वगैरह भी ले सकते हैं, ये सब किस में आती है, अबायोटिक में आती हैं। क्लियर।